अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिकल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातुक अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि अस्साअति व फी कुल्ल साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दक तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा वस्सर المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم। हम सीरत हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से उनकी ज़िंदगी के दूसरे दौर में और दूसरे स्टेज में डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके अंदर बात यहाँ तक पहुँची थी कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के रिक्वेस्ट और प्रपोज़ल की जानिब हाँ कहा है और मुस्बत जवाब दिया है। और उसके बाद फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर कहते हैं और फिर फरमाते हैं कि सुकूतुहा इकरारुहा, फ़ातिमा की खामोशी उसका इकरार है। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तूर के मुताबिक मरासिम में अक़्द-ए निकाह को जो है वो उसको अरेंज किया जाता है। कहाँ पर? मस्जिद के अंदर। मस्जिद के अंदर अक़्द-ए निकाह की महफ़िल सचती है और मुसलमानों को दावत दी जाती है कि आप आएँ मस्जिद में और इस रस्म में जो है वो शिरकत फरमाएं। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर ये इस निकाह की रस्म को यूँ बयान फरमाया है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला किया कि अली और फ़ातिमा की शादी हो जाए तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि मदीना के अतराफ़ में जो लोग रहते हैं, जो मुसलमान रहते हैं, यानी आउट ऑफ मदीना जो नज़दीक इलाके हैं, उनको नबी अकरम ने इनविटेशन लेटर भेजा सबको कि आप आएँ इस मरासिम में, यहाँ पर शिरकत करें मस्जिद के अंदर। अब यहाँ पर मुमकिन एक सवाल हो कि यानी आया मस्जिद के अंदर क्या हम ये काम कर सकते हैं, मरासिम में अक़्द निकाह बरगुज़ार कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि बिलाखिर मस्जिद तो एक मुक़द्दस मकाम है, एक होली मकाम है। अगर कोई कहे कि नहीं मस्जिद में ये काम नहीं होना चाहिए, ये दर हकीकत खिलाफ नस है, खिलाफ शरीयत है। क्यों? यानी खिलाफ ख़ुद सीरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अगर कोई ये कहे कि नहीं मस्जिद में जो है वो अक़्द निकाह के मरासिम नहीं रखने चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शादी और इज़्दिवाज के लिए अक़्द निकाह की रस्म जो है ख़ुद मस्जिद के अंदर रखी है, बरगुज़ार की है। उस सारा प्रोग्राम मस्जिद में हुआ है। अलबत्ता यहाँ पर कंडीशंस हैं, बिशर्तहा, हमेशा ये याद है कि बिशर्तहा व शुरूतहा हैं, यानी यहाँ पर जो शिरकत करने वाले हैं मस्जिद के अंदर इस रस्म के लिए, इस इबादत के लिए, उन्हें मस्जिद की रिस्पेक्ट, मस्जिद की हरीम का ख्याल रखना चाहिए। इसके ऊपर हम बात करेंगे बाद में कि बाज़ औक़ात ख्याल नहीं रखा जाता। मसलन शादी की महफ़िल मस्जिद में रखी गई है, जो कि बहुत अच्छा काम है, लेकिन बाज़ औक़ात लोग उस मस्जिद की हरीम की रिस्पेक्ट नहीं करते। मस्जिद का जो आली मकाम है दीन इस्लाम के अंदर, बेउनवान इबादत, जाए इबादत, मुसल्ला इबादत, इसकी बाज़ औक़ात डिसरिस्पेक्ट की जाती है, बाज़ औक़ात खुसूसन इन महफ़िलों के अंदर, शादी की महफ़िलों के अंदर और निकाह की महफ़िलों के अंदर। अब इमाम अली अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का निकाह बरगुज़ार होता है मस्जिद के अंदर। और सबसे पहली चीज़, सबसे पहला मरहला जो यहाँ पर अंजाम पाता है वो है खुतबा, खुतबा ख़ानी। इस निकाह में, इस अक़्द निकाह में 3 खुतबे पढ़े जाते हैं। सबसे पहला खुतबा खुद खुदावंद मुतआल की जानिब से पढ़ा जाता है, लेकिन खुद खुदावंद मुतआल जो है वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के तवस्सुत से ये खुतबा पढ़ा जाता है। दूसरा खुतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस खुतबे में अव्वलन नबी अकरम हमदो सनाए इलाही बजा लाते हैं और उसके बाद ये फरमाते हैं कि खुदा के दस्तूर के मुताबिक मैं अपनी बेटी, मैं अपनी अज़ीज़ और बुज़ुर्गवार बेटी को जो है अली के अक़्द में करार देता हूँ। और खुदावंद मुताल ने इस मरासे में अक़्द-ए-निकाह को, ये नबी अकरम फिर ये रिपोर्ट करते हैं कि इस ये जो मरासे में अक़्द-ए-निकाह के मस्जिद के अंदर जो इस वक्त बरगुजार हो रहे हैं, ये मलाइका यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, मलाइका मौजूद हैं इस महफिल के अंदर, और मैं भी इस ज़मीन पर जो है वो इन दो को यानी अली और फ़ातिमा को एक दूसरे की हमसरी में ज़ौज और ज़ौजा के तौर पर इनको मैं करार देता हूँ। और फिर इस खुतबे के बाद अलबत्ता मुकम्मल खुतबा तो यहाँ पर शायद तारीख़ में नहीं आया, लेकिन जो आया वो मैंने आपके सामने पेश किया है। फिर इस खुतबे के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली अलैहिस्सलाम से फरमाते कि अब ए अली, अब आप खुतबा पढ़ें। फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम खुतबा बयान फरमाते हैं और इस तरतीब के साथ तीन खुतबे इस अक़्द-ए-निकाह में बयान किए जाते हैं। अच्छा, ये एक पॉइंट आपकी खिदमत में मैंने पेश किया। अब ये जो अक़्द-ए-निकाह की महफिल बरगुजार हुई, अब शादी की रस्म बाकी है, सही है, शादी की सेरेमनी बाकी है, अभी सिर्फ निकाह पढ़ा गया है। यानी अब इसके बाद जो है अली अलैहिस्सलाम फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को अपने घर नहीं ले जाते, अब शादी की रस्म बाकी है। अब मुअर्रिखीन और हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि दो, एक मशहूर कौल पाया जाता है और एक गैर मशहूर कौल, किस चीज़ के बारे में कि अक़्द-ए-निकाह अली व फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहिमा और उनकी शादी के दरमियान कितने टाइम का फासला था। जो गैर मशहूर कौल है वो ये उलमा फरमाते कि उस गैर मशहूर कौल में कि 9 माह का फासला था, और बाज़ लोग ये फरमाते कि 1 साल का फासला था, और भी दीगर अकवाल हैं, कोई कहता है 4 महीने का फासला था, लेकिन जो मशहूर कौल है वो 1 महीने का फासला बताता है। यानी अक़्द-ए-निकाह और शादी की सेरेमनी के दरमियान 1 महीने का फासला मौजूद है। ये नक़ल मशहूर मैंने आपकी इस खिदमत में बयान किया है। जब तकरीबन 1 महीना अपने इख्तिताम पे पहुँचता है अक़्द-ए-निकाह के बाद, तो हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के बड़े भाई अक़ील इब्न अबी तालिब, जो कि 20 साल बड़े थे इमाम अली अलैहिस्सलाम से, उन्होंने इमाम से कहा कि यानी उन्होंने अपने भाई अली से कहा कि आप क्यों शादी की सेरेमनी और इज़्ज़िवाज, और जिसको फ़ारसी में अरूसी कहा जाता है, देखें अरबिक में इज़्ज़िवाज कहा जाता है, उर्दू में शादी कहा जाता है और फ़ारसी में अरूसी कहा जाता है, ये 3 अलग अलग लैंग्वेज के वर्ड्स भी आपकी वोकेबलरी में इजाफ़ा हो जाए। अकील ने इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा कि आप क्यों शादी के लिए कोई इकदाम नहीं करते। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए अकील, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन शर्म व हया माने बन रही है कि मैं नबी अकरम से कहूँ कि महफिल और सेरेमनी को जो है वो अरेंज किया जाए। यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर अपनी मुकम्मल आमादगी का इजहार किया कि मैं अब तैयार हूँ कि ज़हरा को अपने घर ले जाऊँ, लेकिन शर्म व हया जो है वो माने बन रही थी। तो यहाँ पर अकील ने एक सल्यूशन देखा। अकील ने ये कहा कि ठीक है, मैं इस मसले को और आपके इस तमायुल को जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ अज़वाज के सामने पेश करता हूँ और उन्हें वास्ता करार देता हूँ कि आप जो है अली की तरफ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करें। 2 खातून जो कि नबी अकरम की जोजा थीं दोनों के दोनों, इन्होंने ये मसला पेश किया। कौन दो खातून थी? एक उम्म ऐमन और एक उम्म सलमा, ठीक है। इन दोनों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये मसला पेश किया। अलबत्ता उम्म ऐमन के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहें तो वो ये है कि उम्म ऐमन सालहा जो है वो बेउनवान कनीज़ और ख़िदमतकार, ठीक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में थी और जंग हुनैन में भी जो है वो नबी अकरम के साथ थी। जंग हुनैन में एक बहुत बड़ा चैप्टर जो लेडीज़ के लिए, ख़वातीन के लिए ओपन करना ज़रूरी है इस चैप्टर ऑफ इस्लाम को, वो ये कि तारीख़ इस्लाम में, सदर इस्लाम में, यानी ख़ुसूसन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, उनकी ज़िंदगी में औरतों का क्या किरदार था। आया औरतों का फ़कत घरेलू किरदार था या नहीं? घरेलू किरदार भी था और इज्तिमाई एंड सोसाइटल किरदार भी था। जैसे ख़ुद उम्म ऐमन को आप देखें कि उम्म ऐमन जंग हुनैन में भी मौजूद थी। जब अक्सर मुसलमान जो है जंग हुनैन में फ़रार कर गए थे, भाग गए थे, तो यहाँ पर ये बानू, ये खातून जो है मौजूद थी नबी अकरम के साथ। इन्होंने नबी अकरम का साथ नहीं छोड़ा और मुसलसल इस ख़ानदान रिसालत की खिदमत में अपने आप को इन्होंने मसरूफ़ किया। और हत्ता जब तक फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ज़िंदा थी तो वो फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की भी खिदमत गुजार थी। अब ये दो ख़वातीन यानी उम्म ऐमन और उम्म सलमा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती हैं और उन्होंने हज़रत खदीजा का नाम लिया। उन्होंने ये फरमाया कि ऐ हमारे नबी, ऐ पैगंबर, अगर खदीजा इस वक्त ज़िंदा होती तो इस वक्त वो फ़ातिमा की शादी की सेरेमनी के लिए कोई इकदाम कर रही होती। जैसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का नाम सुना, फ़ौरन गिरिया करने लगे, फ़ौरन अश्क उनकी आँखों से जारी होने लगे और उनकी याद में जो है कुछ जुमले उन्होंने बयान फरमाए कि उन्होंने मसलन ये फरमाया कि खदीजा जैसी खातून अब कहाँ हैं। यानी इस कदर, जैसे यानी ये मुख्तलिफ़ वाक़यात में मिलता है कि जैसे ही हज़रत खदीजा का नाम आता था तो फ़ौरन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों से आंसू निकल आते थे और फिर याद करते थे खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की फ़रावान खिदमतें जो उन्होंने नबी अकरम के लिए की, इस्लाम के लिए की। मसलन वो यहाँ पर उम्म ऐमन और उम्म सलमा ने जब हज़रत खदीजा का नाम लिया तो ये फरमाते कि उस ज़माने के अंदर जब लोगों ने मेरी तकज़ीब की, मुझे झुटलाया, तो खदीजा थी जिन्होंने मेरा साथ दिया। अलबत्ता फिर उम्म सलमा ने यहाँ पर नबी अकरम से फरमाया कि बे अबी अंता व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा हो जाए ए पैगंबर खुदा, अगरचे हमने खदीजा का नाम लिया लेकिन हम एक और मौजू के बारे में आपसे बात करने आए हैं। हम इस बारे में बात करने आए हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम यानी ख़ुद अली इब्न अबी तालिब जो हैं वो शादी के लिए माइल हैं और वो फ़ातिमा को अपने घर ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्म ऐमन और उम्म सलमा से पूछा कि अगर अली चाहते हैं तो उन्होंने मुझसे डायरेक्टली क्यों नहीं कहा। तो यहाँ पर जवाब में ये फरमाया कि उम्म सलमा ने कि शर्म और हया जो है वो अली के माने हो गई थी कि वो आपकी खिदमत में डायरेक्टली जो है वो ये बात करें। लिहाजा उम्म ऐमन सलामुल्लाह अलैहा पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मामूर हुई। पैगंबर ने उनको हुक्म दिया कि आप जाएं और अली को मेरे पास लेकर आएं। जब अली अलैहिस्सलाम आए, इमाम अली अलैहिस्सलाम आए तो पैगंबर ने उनसे पूछा कि आया आप माइल हैं, आया आप चाहते हैं कि अपनी जोजा को अपने घर ले जाएं। तो अब अली अलैहिस्सलाम का चेहरा मुसलसल नीचे की तरफ था, यानी वो असलन पैगंबर से आंखें नहीं मिला पा रहे थे, इस कदर शर्म व हया जो है वो। आप अगर कंपेयर करें इमाम अली के इस अखलाक को दीगर असहाब के साथ जो कि आए थे हज़रत ज़हरा के प्रपोज़ल के लिए, तो उन्होंने मसलन बाज़ ने जो है वो अपना पैसा दिखाया कि मेरे पास इतना पैसा है, इतना पैसा। असलन कोई शर्म व हया यहाँ पर मौजूद नहीं थी, लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम सरासर वजूद इमाम जो है वो शर्म व हया से जो है वो पुर है। और फिर जो है वो अपना सर हया की वजह से नीचे रखते हुए फरमाया, जी हाँ, बे अभी अंता व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो जाएं, जी हाँ मैं चाहता हूँ। पैगंबर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी के साथ मुआफ़क़त की, अग्री हुए और फिर फरमाया कि आज रात या कल इंशाल्लाह इस सेरेमनी को मैं तरतीब असर दूँगा। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्म ऐमन से दोबारा फरमाया कि आप जाएं और शादी की सेरेमनी के लिए अपने आप को और सबको आमादा करें। अब यहाँ पर नॉर्मली जो हमारे ऑब्वियसली जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, वलीमा का लफ्ज़ कब इस्तेमाल किया जाता है हमारे माशरे में? जब शादी हो जाती है और शबे ज़फ़ाफ़ के अगले दिन या उसके एक या दो दिन बाद जो है वो वलीमा का जो है वो लड़की वालों की तरफ से एहतमाम किया जाता है, खाने पे बुलाया जाता है लड़के वालों को। लेकिन इस्लाम के अंदर वलीमा जो है वो फ़कत इसको नहीं कहा जाता, बल्कि ख़ुद शादी की सेरेमनी में जो खाना खिलाया जाता है उसको भी वलीमा कहा जाता है। सही है, इसके बारे में रिवायात मौजूद हैं कि अगर ये रिवायत मौजूद है दानिशनामा फ़ातिमी के अंदर, कि उस रिवायत का मज़मून ये है, मैं एग्जैक्ट अल्फाज मुझे याद नहीं, लेकिन मज़मून ये कि शादी की सेरेमनी में वलीमा वाजिब है, उसके अगले दिन नेक है वलीमा खिलाना और उसके बाद अच्छा काम नहीं है, यानी उसके बाद मुसलसल वलीमा देना ये अच्छी अलामत नहीं है। यानी शादी के दिन वलीमा देना, शादी की मसलन सेरेमनी में वलीमा देना, गुरूब के वक्त खुसूसन के हम अभी पढ़ेंगे कि यहाँ पर इमाम अली अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शादी की इस महफ़िल में कब वलीमा दिया गया, आया रात को वलीमा दिया गया, खाना खिलाया गया, या रात से पहले। लेकिन दो दिन बेहतर है कि आप शादी के दिन भी खिला सकते हैं और शादी के अगले दिन भी खिला सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर खिलाना जो है वो कहते हैं कि सही काम नहीं है, यानी उस असराफ के एतबार से अच्छा काम नहीं है। वलीमा यहाँ पर जो है वो कब खिलाया गया? शादी के दिन खिलाया गया, ना रात को। सही है, शादी का दिन है, यानी मसलन आप फ़र्ज़ करें कि आज इमाम अली और हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शादी की का दिन है, सेरेमनी तो रात को होनी है, लेकिन जब खाना खिलाया गया वो यहाँ पर जो रिवायात में हमें मिलता है वो गुरूब आफ्ताब के मौके पर उसके करीब जो है वो खाना खिलाया गया तमाम मेहमानों को। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम से ये फरमाया कि आप गोश्त और नान की तैयारी मेरी तरफ से, यानी मेरा काम, मैं, यानी नबी अकरम ख़ुद फरमाया कि मैं गोश्त और नान और यानी रोटियों को जो है उसको आमादा करता हूँ, और आप ए अली खजूर और रोगन यानी तेल को आमादा करें आप। ये नबी अकरम ने इमाम को फरमाया। अब ये सब हो गया, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद, अब आप देखें ये सीरत देखें आप, नॉर्मली हमारे माशरे में क्या होता है, अलबत्ता ऐसे लोग अनफॉर्चुनेटली बड़ी मिकदार में होते हैं कि नॉर्मली जो बुजुर्गान होते हैं, जो बड़ी एज के अफराद होते हैं, जिनकी उम्र 55 साल की होती है, 60 साल की होती है, वो जो है इन मरासिम में ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, वो बस ज़्यादा फाइनेंशियल उमूर को देखते हैं कि भाई पैसा लग रहा है सही जगह या नहीं लग रहा, कोई कमी तो नहीं है पैसों की, ठीक है, यानी सोफ़े वाले काम, जिसमें सोफ़े पे बैठ के जो काम होता है वो नॉर्मली हमारे बुजुर्गान उसको इंतखाब करते हैं। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पर एक तो नबी भी हैं, एक रोल उनका क्या है, नबी हैं, उनका एक और रोल यहाँ पर क्या है, वो तो बाप हैं। एक तरफ से वो हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के वालिद गिरामी हैं, दूसरी तरफ से इमाम अली के ससुर भी हैं। ठीक है, तो नबी अकरम ख़ुद यहाँ पर किचन को अपने हाथ में लेते हैं, कुकिंग को अपने हाथ में लेते हैं, और रिवायात के अंदर के वो अपने आस्तीनें बुलंद करते हैं और फिर कुकिंग में मशगूल हो जाते हैं और अपने मुबारक हाथों से जो है वो खजूरों को और तेल वगैरह को जो है वो दीगर इंग्रेडिएंट्स को आपस में मखलूत करते हैं और फिर एक अरबिक गज़ा जो है वो बन जाती है इन दी एंड। और फिर वलीमा जो है, वलीमे का खाना आखिर में बिलाखिर तैयार हो जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने से अब ये फरमाया, गौर से सुने, फरमाया कि ए अली, जाओ मस्जिद, मस्जिद जाओ और लोगों को दावत दो कि सब आ जाएं यहाँ पर सुफरे और दस्तरखान पे। और इस नबी अकरम ने ये जुमला फरमाया कि इस सुफरे बाबरकत की तरफ आएं और खाने को तनावुल करें। अब रिवायत के अंदर हमें ये इंटरेस्टिंग रिपोर्ट मिलती है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मैं अगर एक को दावत दूंगा, एक को दावत नहीं दूंगा, ये तो बेअदालती हो जाएगी। तो उन्होंने, यानी खुदा न खासा, एक तो बेअदालती का भी खदशा है, दूसरी तरफ से ऐसा ना हो कि अगर किसी को इनवाइट ना करूं और उसको बाद में पता चले तो उसके दिल में खुदा न खासा कोई कुदूरत ईजाद ना हो। तो उन्होंने क्या किया, देखें ये दामाद है, ये दूल्हा है, ये नौ दूल्हा, ये क्या कर रहे हैं, देखें ये आते हैं मस्जिद में और मस्जिद की जो बुलंदी है उस पर खड़े हो जाते हैं, ऊंचाई पर खड़े हो जाते हैं और बुलंद आवाज़ से जो है ये फरियाद लगाते हैं कि उजीब इला वलीमत फातिमा, मैं आप सबको फातिमा के वलीमे की तरफ दावत देता हूँ। यानी इज्तिमाई दावत दी इन्होंने अपनी शादी के लिए। लेकिन एक तरफ से ये भी एक निगरानी थी इमाम अली अलैहिस्सलाम को कि अब तो मैंने सबको एक साथ दावत दे दी है, सब बाहम आएंगे तो ऐसा ना हो कि खाना कम पड़ जाए। तो ये उन्होंने अपनी इस बात को जो है वो नबी अकरम की खिदमत में पेश किया, ए नबी मैंने तो सबको दावत दे दी, अब क्या करें। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली परेशान ना हो, मैं दुआ करूँगा खुदा से कि खुदा इस खाने में, इस गज़ा में बरकत डाल दे। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको, मेहमानों को हुक्म दिया कि ग्रुप्स में आए, हर जो है वो उन्होंने यूँ किया, सोल्यूशन ये था नबी अकरम का कि 10-10 मेहमानों का ग्रुप बनाया जाए और 10-10 लोगों का ग्रुप आए और खाना जो है वो खाएं और तनावुल करके फिर जा सकते हैं वो। और यही हुआ, नतीजे में ये वलीमा जो है वो कामिलन, इस वलीमे का खाना किफ़ायत कर गया। सही है, यानी असलन कहीं भी कम नहीं पड़ा ये खाना। फिर वलीमे के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपनी बेटी फ़ातिमा को अपने पास बुलाया और उसके बाद कुछ वाक़यात और पेश आते हैं कि ये वाक़यात मैं आपके सामने अगले सेशन में पेश करूँगा इंशाअल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।